यूपी से है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त हिदायत के बावजूद एंटी रोमियो दल के नाम पर निर्दोष युवक युवतियों को बेवजह परेशान करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट के पार्क में बैठी छात्रा और उसके दोस्त को परेशान करने वाले 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि पीसीआर वैन में तैनात 3 पुलिस वालों ने 24 मार्च को एंटी रोमियो दल के नाम पर छात्रा और उसके दोस्त के साथ बदसलूकी की थी, उन्हें वैन में बिठा लिया था और इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद तीनों पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। सस्पेंड होने वाले पुलिसकर्मी हैं हेड कांस्टेबल मेहताब और 2 कांस्टेबल विनीत और पंकज। तो कल ही आदित्यनाथ योगी यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा था कि एंटी रोमियो दल के नाम पर बेमतलब परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाए युवक और युवतियों को। ये सख्त हिदायत दी थी मुख्यमंत्री ने और आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल आपको बताएं कि गाजियाबाद में नवयुग मार्केट के पार्क में छात्रा और उसके दोस्त को परेशान किया था इन पुलिसकर्मियों ने, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। ये 3 पुलिस वाले हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। एक हेड कांस्टेबल है और 2 कांस्टेबल विनीत और पंकज है जिनके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई हुई है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था कि एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर कहीं परेशान तो नहीं किया जाएगा युवक युवतियों को। कल ही गोरखपुर में आदित्यनाथ योगी ने ये कहा था, पुलिस वालों को सख्त निर्देश हिदायत दी थी कि एंटी रोमियो दल के नाम पर युवक युवतियों को परेशान नहीं किया जाए। अगर सहमति से युवक और युवती किसी पार्क में बैठे हैं तो उनको परेशान नहीं किया जाए। ये बात आदित्यनाथ योगी की तरफ से कही गई थी कि अगर युवक युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई बिल्कुल भी ना की जाए। 24 मार्च की ये घटना थी, एक युवक और युवती पार्क में बैठे थे गाजियाबाद में, वहां पर 3 पुलिस वाले पहुंचे और एंटी रोमियो दल के नाम पर उन्होंने कार्रवाई की थी और अपने साथ बिठा के इस युवक युवती को ले गए थे। अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। नगर निगम के कुछ कर्मचारी गए, उन्होंने उनसे शिकायत की कि यहाँ पर एक पार्क है और पार्क में कुछ लोग जो है अश्लील हरकत कर रहे हैं। पुलिस इस पर गई और पुलिस ने वहाँ पर जो 2 लोग थे उसको पुलिस पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठाई और वहाँ से चौकी पर लाकर छोड़ दिया। चौकी इंचार्ज ने उनके गार्जियन को बुलाया और गार्जियन की सुपुर्दगी में लड़के और लड़की को दे दिया। फिर भी इस पूरी प्रक्रिया में ये एक बहुत बड़ी त्रुटि थी कि जब उन लोगों को गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो उस समय तलाशी के दरमियान एक महिला कांस्टेबल का होना ज़रूरी था। चूँकि ये एक बहुत बड़ी भूल थी तो इसके लिए तीनों जो कर्मचारी तैनात थे उन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। और गाजियाबाद की तरह ही यूपी के मैनपुरी में भी पुलिस वालों पर एंटी रोमियो दल के नाम पर लड़के लड़कियों को परेशान करने का आरोप लगा है। दरअसल जो आरोप है वो ये कि यहाँ के लोहिया पार्क में बैठे जोड़ों के साथ पुलिस वालों ने बदसलूकी की। पीडब्ल्यूडी का एक कर्मचारी जब इस घटना का वीडियो बना रहा था तो उसकी भी जमकर पिटाई की गई। मैनपुरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं जहां पार्क में बैठे युवक युवतियों पर कार्रवाई की गई, उनके साथ बदसलूकी हुई पुलिस वालों की तरफ से। लोहिया पार्क है मैनपुरी का जहां पर ये जोड़े बैठे हुए थे और आरोप पुलिस वालों पर इस बात का कि इन लोगों ने बदसलूकी की है जो पार्क में बैठे युवक युवती थे उनके साथ। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लोहिया पार्क की हैं, अपने साथ पुलिस वाले युवक युवतियों को ले जाते हुए। पीडब्ल्यूडी का एक कर्मचारी वहां पर मौजूद था जो इस घटना का वीडियो बना रहा था, उसकी भी पुलिस वालों ने जबरन पिटाई कर दी। ऐसी कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो आप बताइए, लेकिन जनरली हम लोग टीजिंग के खिलाफ बहुत कड़ा रुख अपना के कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके लिए जैसे आप जानते हैं कि जनपद में शक्ति बनी मोबाइल पहली बार जो है मोटरसाइकिल स्क्वाड यहाँ पे गठित किया गया है और उसमें हमारी महिला कांस्टेबल्स सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर, कोचिंग सेंटर्स पर, विश्वविद्यालय पर, मार्केट पर, सभी तरफ जो है लगातार क्रियाशील रहती हैं और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कहीं पर भी टीजिंग की शिकायत नहीं आएगी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।